विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम की पावन पवित्र भूमि, जो कि हिमालय में सफेद हिमखंडों जैसी चमकने वाली साक्षात शिव भगवान की तपस्थली है, जहां लाखों श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। उस पवित्र धाम को आजकल कुछ लोगों ने ऐसा चर्चाओं का विषय बना दिया, जिससे खुद बाबा केदार और उनके देश विदेश में करोड़ों हिंदू भक्तों को भी बड़ा आघात पहुंच रहा है। केदारनाथ धाम में सोना चोरी का आरोप लगाकर सनसनी फैलाने वाले स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद अब खुद ही घिरते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल सोना चोरी के आरोप पर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई थी और उन्होंने स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर भी सवाल खड़े कर दिए थे। बीकेटीसी अध्यक्ष ने सफाई देते हुए कहा कि किसी को भी केदारनाथ मंदिर से सोना चोरी की आशंका है तो वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करे, न कि मीडिया के सामने सनसनी फैलाकर धार्मिक स्थलों की पवित्र महिमा का अपमान करे। देखिए, एक संत के रूप में स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद जी का मैं बेहद सम्मान करता हूँ और वो शंकराचार्य हैं अथवा नहीं है इस बहस में मैं भी नहीं पढ़ना चाहूँगा, किंतु इतना मैं बताना चाहूँगा कि संत होने के बावजूद स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद जी जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रिकॉर्ड संख्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप देखेंगे, इतना तो कोई राजनेता भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है, और उसमें विवाद पैदा करना, कुछ न कुछ सनसनी फैला करके चर्चाओं में रहना उनका इतिहास रहा है। अभी उनका एक बयान आया है कि केदारनाथ में सोना चोरी को लेकर के, मैं स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद जी से अनुरोध करूंगा कि अगर उनके पास कोई तथ्य है तो तथ्य सामने लाएं और वो किसी सक्षम अथॉरिटी के पास जाएं, जांच करने के लिए अनुरोध करें, हाई कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, जनहित याचिका लगाएं, जांच की मांग करें अगर उनके पास में कोई तथ्य हैं। केवल सनसनी पैदा करने के लिए, विरोध करने के लिए और कांग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद जी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। वहीं केदारनाथ जैसे धाम को राजनीतिक अखाड़ा और मीडिया की सुर्खियां बनाकर आघात पहुंचाने के बाद तमाम प्रमुख संतों द्वारा अवि मुक्तेश्वरानंद पर कई तरह के आरोप लगाए जाने लगे हैं। अब हरिद्वार स्थित प्रसिद्ध भूमा निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी अच्युतानंद तीर्थ महाराज ने स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद पर आरोपों की बौछार करते हुए उनके विरुद्ध सीबीआई जांच की मांग तक कर डाली है। प्रधानमंत्री नहीं है, स्वयंभू इस देश का राष्ट्रपति नहीं है, स्वयंभू इस देश का गवर्नर नहीं है, तो इस देश का शंकराचार्य स्वयंभू कैसे हो सकता है? विचार करो, प्रमाण दो। अप्रमाणित है तो इसने दो विषय होते हैं, प्रमाणित और अप्रमाणित। जो आप अवि मुक्तेश्वरानंद जी हैं वो प्रमाण सिद्ध करें, हम तो चाहते हैं वो सिद्ध करें कि हम प्रमाणित शंकराचार्य हैं, वो अपने को सिद्ध करें, घोषित करें। वसीयत है उनके जो है, गुरु जी जो थे वो 98 साल की उम्र में थे, 98 साल उन्होंने 90 साल में, 85 साल में, 86 साल में, 87 साल में वसीयत घोषित करी, उन्होंने वसीयत सार्वजनिक करी, सार्वजनिक वसीयत करी, तो सार्वजनिक वसीयत क्यों नहीं करी? क्यों उन्होंने वसीयत लिखी नहीं किसी को? बात यही नहीं थमी। स्वामी अच्युतानंद ने अवि मुक्तेश्वरानंद पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनको रामालय ट्रस्ट के नाम पर एकत्र किए गए हजारों किलोग्राम सोने का हिसाब भी देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अवि मुक्तेश्वरानंद के गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने राम मंदिर के नाम पर रामालय ट्रस्ट बनाकर अरबों रुपए का सोना और नकदी लोगों से दान प्राप्त किया था, जिसका कोई हिसाब किताब इन्होंने नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि यदि केदारनाथ से सोना गायब हुआ है तो अवि मुक्तेश्वरानंद को उसका प्रमाण देना चाहिए। इस तरह की अप्रमाणित बातें करना उन्हें शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अवि मुक्तेश्वरानंद के विरुद्ध सीबीआई जांच की मांग करेंगे। हम किसी भी सन्यासी को असत्य नहीं बोलना चाहिए। हमारे यहाँ असत्य बोलना सन्यासी के लिए कठोर से कठोर पाप है, तो नहीं बोलना चाहिए। वो प्रमाण दें, समझे कि वहां से केदार जी से सोना चोरी हुआ, वो इसलिए वो जो है ये बात लगा रहे हैं कि कोई रामालय ट्रस्ट में एक एक ग्राम सोना उनके गुरुजी ने मांगा, वो सोना गुरुजी इनको सब छोड़ गए, उस सोने का कोई हिसाब ना ले, तो हजारों किलो सोना तो इकट्ठा है, करोड़ों रुपया तो रामालय ट्रस्ट का इकट्ठा है, रामालय ट्रस्ट वालों ने करा नहीं, भंग हो गया। सरकार ने जो है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है राम मंदिर को जो है हैंड ओवर कर दिया, तो वो कहाँ गया? तो इसलिए वो असत्य बोल रहे हैं, इसलिए अपने राजनीति लोगों को जो है
जो है जो विपक्ष में राजनीति लोग हैं उनको जो है करके अपने को जो है बड़ा मानते हैं। तो इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई? कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ना। आप लोग जो है पहले ये प्रमाण करिए कि समझे हमने गांव का नाम बता दिया, प्रधान का नाम बता दिया, सन 1912 से पहले उनका प्रमाण बता दिया, उन्हें प्रमाण देखे टटोलना चाहिए आपको मीडिया को कि वो पहले ब्राह्मण है या नहीं है, ये प्रमाण हमने तो दे दिए सारे प्रमाण। सुप्रीम कोर्ट ने जो है सीबीआई इंक्वायरी की हम जो है मांग करते हैं। हम जो है प्रधानमंत्री को भी लिखेंगे, होम मिनिस्टर को भी लिखेंगे कि इनकी सीबीआई इंक्वायरी हो। वहीं कुछ दिनों पहले गोवर्धनपुरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अधोषानंद देव तीर्थ महाराज ने भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बयानों पर दुख जताते हुए कहा था कि साधु संतों को मीडिया के सामने राजनीतिक भाषा नहीं बोलनी चाहिए। अगर केदारनाथ धाम के लगे सोने पर किसी को भी शंका है तो उन्हें अदालतों न्यायालयों में जनहित याचिका दायर कर जाँच करवानी चाहिए ताकि सत्य सबके सामने आए। उत्तराखंड से स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट। केदारनाथ बद्रीनाथ समिति एक जिम्मेदार समिति है जो चारों धाम यात्रा का विधिवत संचालन करती है और वहाँ के धर्मस्थलों का रख रखाव करती है। कतिपय कारणों से यदि वहाँ कुछ गड़बड़ी किसी भी कारण से किसी भी कार्य में किसी जिम्मेदार को नजर आती है तो उसके लिए अधिकृत संस्थाएँ होती हैं जहाँ पर शिकायत की जा सकती है और जांच पड़ताल के लिए हमारे संवैधानिक तौर पर रहते हैं, उनके दरवाजा हमेशा ही खुले रहते हैं। किसी श्रद्धालु को या किसी साधु संत को इस पर आपत्ति या शक है तो उसको प्रेस में शोर मचाने की बजाय जो संवैधानिक प्रक्रिया है गड़बड़ी को खुलासा करने के लिए वो रास्ता अख्तियार करना चाहिए।